अच्छा मेरी इकबाल है इसकी स्टोरी तो उससे भी बहुत बढ़िया है ये बहुत आला स्टोरी है ये भी पैलेस का ही कंप्लीट काम है या इट्स अ वुड वर्कशॉप फॉर द रेनोवेशन ऑफ दिस फोर्ट इसको रॉयल गार्डन कहते हैं ये पुराने जमाने में रॉयल फैमिली से के लिए उनका अपना गार्डन होता अब फूलों का हाँ हाँ मैं महसूस करता हूँ क्यों ये जैपनीज आज हाँ जैपनीज का ये जैपनीज बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते हैं क्लोज करो इसको ओके काफी दिनों से पाकिस्तान में चल रहे हैं तो रनिंग फास्ट हो गई है यहाँ लोग फास्ट चलते हैं यहाँ अगर मैं चलना शुरू करूँ तो आप पीछे रह जाएंगे हाँ वो आपकी मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर है घर में कह रहा था आप गाड़ी पर क्यों क्लियर हो रहा है क्लियर है हाँ फिर वो ज़्यादा हिलना पड़ता है ना पीछे इस तरह गिर जाना नहीं गिरेगा यार थोड़ा नहीं नहीं वो झटके ज़्यादा लगते हैं ना इस वजह से ये छोटा सा स्विमिंग पूल था प्रिंसेसेस जो होती थी वो यहाँ स्विमिंग करती थी ये समर हाउस था द सेकंड लास्ट किंग ऑफ हंजा बिल्ट दिस हाउस फॉर देयर सेल्फ यू नो दो इस फोर्ट के तामीर होने के 200 साल बाद रॉयल फैमिली यहाँ से करीमाबाद माइग्रेट हो चुकी थी वापस जब भी वो यहाँ किसी फेस्टिवल के लिए या सेरेमनी के लिए आते थे तो यहाँ इस पैलेस में स्टे करते थे ये समर हाउस में अब कौन सा स्टेट है मैं न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क सिटी यहाँ एक कैलिफोर्निया की लड़की थी गोरी हाँ तो तकरीबन 16 महीने